वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम ब्रायोफाइट्स के अंदर माकेंशा को स्टडी करेंगे। क्लियर? सो माकेंशा के रिगार्डिंग हम क्या क्या स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम टेक्सोनॉमी कैटेगरी स्टडी करेंगे, कौन सी डिवीजन है, किस क्लास के अंदर आता है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस तो माकेंशा है ही। फिर हम सर्टेन स्पीशीज़ देखेंगे, कौन सी स्पेशली इंडियन स्पीशीज़ कौन सी है, ठीक है। फिर हम क्या स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, यानी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, बाहरी आवरण कैसा है। फिर एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, यानी सेक्शंस कट करके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। फिर आएगा रिप्रोडक्शन की बारी, या फिर कहें लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर क्या करना है कि मतलब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है, ठीक है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, या फिर सेक्सुअल है, ये स्टडी करेंगे, कौन सा होता है और किस तरीके से होता है फिर, ठीक है, डिटेल में। और लाइफ साइकिल का लास्ट में फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं जो मार्केंशिया है, उसमें सबसे पहले सिस्टम में क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डिवीजन किस डिवीजन के अंदर आता है, ब्रायोफाइटा। क्लास हिपेटिकॉप्सिडा। ऑर्डर मार्केंशियस। फैमिली मार्केंशियसी। जीनस मार्केंशिया, ठीक है। फिर इसके अंदर बहुत सारी आगे स्पीशीज आती है, एक बार फिर देख लेते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा। क्लास हिपेटिकॉप्सिडा, लिवर वॉर्ट्स कहते हैं हिपेटिकॉप्सिडा को। ऑर्डर मार्केंशियस। फैमिली मार्केंशियसी। जीनस मार्केंशिया। क्लियर? फिर आते हैं स्पीशीज़ पे। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है, 65 है, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज़ का नंबर है ना, ये बुक से लिया गया। अब ये बुक्स पुरानी लिखी हुई हैं, तो हो सकता है नई स्पीशीज़ भी डिस्कवर कर ली गई हो, ठीक है। सो उन स्टैंडर्ड्स बुक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो उनमें लिखा है। सो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 65 है, इंडियन स्पीशीज 11 है। ये भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर रिकमेंडेड बुक्स भी यही रहती हैं। सो जो इंडियन स्पीशीज है उनके कुछ नाम क्या, जैसे मार्केंशिया पालमेटा, मार्केंशिया नेपालेंसिस, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया इंडिका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुछ इंडियन स्पीशीज पूछ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, यानी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे हमें दिख रहा है कि जो थैलस है वो कैसा है, प्रोस्ट्रेट थैलस है। मार्केंशिया का थैलस कैसा है, थैलस हमें पता है कि थैलोफाइट होना, यानी प्लांट बॉडी ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं है। यानी आप प्लांट बॉडी को देख के नहीं कह सकते कि ये पार्ट रूट है, ये पार्ट स्टेम है, ये पार्ट लीव्स है। जैसे इसमें दिख रहा है, आप बता सकते हो कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट लीफ है। तो जब ऐसा ना कह पाए, यानी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलोफाइट है। अब ये थैलस कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, ठीक है। यानी प्रोस्ट्रेट थैलस यानी कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। जैसे हम जनरली प्लांट्स को देखते हैं तो हमें पता है वो कैसे ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। बट ये थैलस कैसा है, प्रोस्ट्रेट थैलस है, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। अभी जो थैलस होगा, इसकी दो सरफेस होंगी, डॉर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है। तो आपसे मान लो चपटी है ये, ठीक है। अब कोई भी चीज़ चपटी होगी तो दो सरफेस हैं ही वैसे, ठीक है। एक सरफेस जो आपकी साइड फेस कर रही होगी, जो ऊपर की साइड फेस कर रही होगी, एक सरफेस जो नीचे की साइड होगी, ठीक है, जिस जो जमीन की सतह से अटैच होगी, यानी सबस्ट्रेटम से अटैच होगी। क्लियर? तो जो सरफेस आपकी साइड फेस कर रही होगी वो कौन सी होगी, डॉर्सल सरफेस। जैसे ये वाली फिगर जो है, इसमें हमें जो ऊपर वाला सारा रीजन दिख रहा है ना, सारा क्या है, डॉर्सल सरफेस है ये सारा का सारा, ठीक है। लेकिन इसके जो नीचे वाली सतह है वो होगी वेंट्रल सरफेस, जिसमें से राइजॉइड्स निकल रहे हैं जो ज़मीन से अटैच होगी, ठीक है। तो जो नीचे वाली सरफेस है उसमें से राइजॉइड्स निकल रहे हैं। फिर आती है कि ये जो थैलस है, ठीक है, ये कैसा होता है, डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। यानी कि जैसे ये ब्रांचिंग हो रही है, ये ब्रांचिंग हुई, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ब्रांचिंग हुई, ये जो ब्रांचिंग प्रोड्यूस करी कैसी है, सिमेट्रिकल है, यानी एक जैसी है दोनों टाइप, जो दोनों ब्रांचेज हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों, ठीक है, सेम है, सिमेट्रिकल है। सो ऐसी ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं, डायकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है जी। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब समझ में आ गया, और प्रोस्ट्रेट का भी। जो डॉर्सल सरफेस है, ये वाली जो ऊपर वाली सतह है, वो ज़्यादा ग्रीन होती है, डीप ग्रीन कलर की होती है इन कंपैरिजन टू वेंट्रल सरफेस, ठीक है। अपेक्स पर इसके क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल नॉच प्रेजेंट होगा। ये जो अपेक्स है, एपिकल रीजन पे क्या प्रेजेंट है, ये नॉच रीजन है, और इस नॉच रीजन में ही ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। मतलब अभी हम आगे स्टडी करेंगे, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वे इस ग्रोइंग रीजन पे ही डेवलप करते हैं, ठीक है, यहीं से डेवलप करते हैं। N3DO4 एंड RCCONIA4, ठीक है। सो जो थैलस ग्रो करेगा अल्टीमेटली वो एपिकल रीजन से ही ग्रो करता है, इन एपिकल नॉचेस में जो प्रेजेंट है ग्रोइंग पॉइंट, वहीं से ग्रो करेगा, ठीक
ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि जो थैलस है, थैलस पर मिडरिब भी प्रेजेंट है, जैसा शो हो रहा है फिगर में, मिडरिब प्रेजेंट है थैलस में। अभी मिडरिब डॉर्सल सरफेस पर तो हमें शो हो रही है, बट क्योंकि अभी इसमें सिर्फ डॉर्सल शो करी है, बट जब वेंट्रल सरफेस होती है तो वहाँ भी मिडरिब प्रेजेंट होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डॉर्सल सरफेस पर जो मिडरिब होगी वो कैसी होगी, ग्रूव्स की फॉर्म में, यानी डिप्रेशन सी, गड्ढों की फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है, थोड़ी सी डिप्रेशन प्रेजेंट, ठीक है, एक गड्ढे की फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि जो ये होगी क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर एक उभार की तरह, एक रिज की तरह प्रेजेंट होगी, ठीक है, प्रेजेंट दोनों साइड पर है, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो वेंट्रल सरफेस पर, अभी कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि वेंट्रल सरफेस पर आपको क्या क्या मिलेंगे और डॉर्सल सरफेस पर क्या मिलेगा। वेंट्रल सरफेस पर आपको तो वो मिलेंगे, स्केल्स मिलेंगे, ठीक है, और क्या मिलेगा, राइजॉइड्स मिलेंगे। जबकि जो डॉर्सल सरफेस होगी, डॉर्सल सरफेस पर आपको मेनली एक तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन एंड 3D4 फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया 4, वे भी डॉर्सल सरफेस पर ही डेवलप करते हैं, जो एपिकल नॉच से डेवलप करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं, वहाँ पे तो गैमा कप्स प्रेजेंट होंगे, गैमा कप्स, ठीक है, सो ये गैमा कप्स प्रेजेंट होंगे डॉर्सल सरफेस पर, उनके अंदर गैमा प्रोड्यूस होते हैं जिनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट है और राइजॉइड्स प्रेजेंट है। अभी स्केल्स भी दो टाइप के होंगे, राइजॉइड्स भी दो टाइप के होंगे, तो देख लेते हैं स्केल्स कैसे हैं। एक तो है सिंपल या फिर कहो लिंगुलेट स्केल्स, ठीक है, एक है अपेंडिकुलेट स्केल्स, ठीक है। अपेंडिकुलेट स्केल्स साइज में बड़े होते हैं और अरेंजमेंट में आपको फिगर में शो करूंगा, ठीक है। और जो राइजॉइड्स की बात करें, राइजॉइड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो है स्मूथ वॉल्ड, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है कि ये कैसे है, स्मूथ वॉल्ड है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो ये वॉल बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, कुछ भी उभार नहीं दिख रहे इसमें से, है ना, उबड़ खाबड़ नहीं। जबकि ये जो है इसमें से एक पैगलाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये होंगे ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। सो ये वाले कौन से हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, और ये वाले हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, ठीक है। सो स्केल्स भी दो टाइप के और राइजॉइड्स भी दो टाइप के, ठीक है जी। अब स्केल्स की बात करते हैं, ये स्केल्स का काम क्या है, स्किल्स काम है उन ग्रोइंग रीजन्स को प्रोटेक्ट करना, जो एपिकल नॉचेस पर ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करना, इसका काम है, स्केल्स का काम है। जबकि जबकि जो राइजॉइड्स हैं उनका काम क्या है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करना, ठीक, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट जो प्रोवाइड करा रहा है वो कौन है, राइजॉइड्स। स्केल्स दो टाइप के हैं, लिंगुलेट और अपेंडिकुलेट। अब इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं, जैसे ये कैसी है वेंट्रल्स, जिसे तो आपने देखी होगी डॉर्सल सरफेस, जो सबसे पहले फिगर में भी देखी है, ठीक है, मिडरिब दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ भी ये मिडरिब है, ठीक है, ये मिडरिब है, ठीक है जी। अब जो मिडरिब है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, और गैमा कप्स प्रेजेंट है, मिडरिब डॉर्सल सरफेस पर भी है और वेंट्रल पर भी, ठीक है। लेकिन जो गैमा कप्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ डॉर्सल सरफेस पर, इसके हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस, इस वेंट्रल सरफेस पर भी क्या प्रेजेंट है, ये मिडरिब, देखो ये मिडरिब प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस पर भी, ठीक है जी, मिडरिब प्रेजेंट है। अब इस मिडरिब के अराउंड पिंक कलर में क्या प्रेजेंट है, अपेंडिकुलेट स्केल्स, जबकि जो साइज में बड़े हैं किसके कंपैरिजन में, ग्रीन कलर के लिंगुलेट स्केल्स के कंपैरिजन में अपेंडिकुलेट स्केल्स साइज में बड़े हैं और जस्ट मिडरिब के अलॉन्ग प्रेजेंट है, ठीक है। मिडरिब के दोनों साइड में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, अपेंडिकुलेट, यानी इनर मार्जिन्स पर, जबकि आउटर मार्जिन पर लिंगुलेट स्केल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। ये जैसे गैमा कप है, गैमा कप को हमने एनलार्ज किया तो ऐसा कप की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ये गैमा प्रेजेंट होंगे, क्लियर। अभी आगे हम सबको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। सो ये सब बात तो हो गई, अब बात करते हैं, मैंने कहा था कि जो एपिकल नॉचेस है, ठीक है, एपिकल नॉचेस में से क्या निकलेंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यानी N3D4 और आर्चिगोनी 4, ठीक है। अब जैसे हमें फिगर में भी शो हो रहा है कि ये कैसे हैं, अलग अलग प्लांट बॉडी पर डेवलप कर रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, डायोशियस, यानी डायोशियस यानी मेल और फीमेल थैलस अलग अलग है, कि मेल सेक्स ऑर्गन मेल थैलस पर डेवलप करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल थैलस पर डेवलप करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन N3D4, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनी 4, ठीक है। अच्छा, हमने एक डिफरेंस नोटिस किया होगा कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, इरेक्ट ग्रो कर रहे हैं, जबकि हमने कहा था कि जो थैलस है वो कैसा है, प्रोस्ट्रेट थैलस है, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है थैलस, तो ठीक है। सो क्या होता है कि जो प्रोस्ट्रेट थैलस है, इसी में से कुछ
इरेक्ट लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, जो ये मॉडिफाइड ब्रांचेस होती हैं, जो मेल थैलस में क्या फॉर्म कर रही हैं, N3D4 यानी मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल थैलस में क्या फॉर्म कर रही हैं, RCColia4। ठीक है, अब जैसे इवन हमें फिगर में दिख रहा है कि इन दोनों में ही स्टॉक प्रेजेंट है, तो एक तो स्टॉक प्रेजेंट है इनकी, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, सबसे अपेक्स रीजन पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों में। तो एक स्टॉक होती है और डिस्क होती है, इन डिस्क पर ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स यानी ब्रांचेस, जैसे एक दो, ये 8 लोब्स होते हैं जनरली, 2 3 4 5 6, और इन लोब्स के ऊपर ही आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रुप्स में आर्चिगोनिया के बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हर एक लोब के ऊपर, ऐसे एंथीडियो। अभी हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, जो इसमें लोब्स होते हैं एंथीडियो फॉर्म में डिस्क के ऊपर, ठीक है, उन पर क्या फॉर्म होता है, उन पर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। और ये RCGonium-4 जो है, देखो ये फर्टिलाइजेशन से पहले ऐसे होंगे, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएंगे, इन्वर्टेड हो जाएंगे, क्लियर। तो ये सब लिखा है, और अगर अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, ठीक है, सो देखते हैं इसकी एनाटॉमी, जो इसकी डॉर्सल सरफेस होगी, बेट, ये डॉर्सल सरफेस है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, ये है डॉर्सल सरफेस और ये है वेंट्रल सरफेस, कैसे, ये है वेंट्रल सरफेस। तो जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस पे सबसे अपर लेयर कौन सी होगी, अपर एपिडर्मिस की, अपर एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस है अपर साइड में, जैसे हम करें अपर एपिडर्मिस, ठीक है, इस अपर एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होंगे, बैरल शेप्ड एयर पोर्स प्रेजेंट होंगे, अपर एपिडर्मिस पर ये बैरल शेप्ड एयर पोर्स प्रेजेंट हैं, जैसे शो हो रहा है, ठीक है, ये एयर पोर्स किस में कंटिन्यू कर रहे हैं, एयर पोर कंटिन्यू कर रहे हैं एयर चैम्बर्स के अंदर, ठीक है, एयर पोर कंटिन्यू कर रहे हैं एयर चैम्बर्स में, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। अब ये एयर चैम्बर्स भी एक दूसरे से डिवाइडेड होंगे, मान लो यहाँ पे दूसरा पोर है, ठीक है, लेट ये दूसरा पोर है, सो ये भी एक एयर चैम्बर में ओपन कर रहा है, ठीक है, तो ये जो दो एयर चैम्बर्स हैं, तो ये एयर चैम्बर और एक दूसरे वाला, ये वाला जो दूसरा एयर चैम्बर है, ये डिवाइडेड होंगे किससे, एक पार्टीशन वॉल से, ठीक है, ऐसी पार्टीशन वॉल है, तो ठीक है, और इन सब के अंदर ही जो अपर एपिडर्मिस हुई, जो ये पार्टीशन वॉल हुआ, ठीक है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन सब के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो ऊपर वाला रीजन है ये कैसा है, ये जो ऊपर वाला रीजन है ये है फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन, जबकि नीचे वाला रीजन कैसा है, स्टोरेज रीजन है, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक रीजन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इन अपर एपिडर्मिस में भी, पार्टीशन वॉल्स में भी, ठीक है। अब ये जो फ्लोर है एयर चैम्बर का, ये जो फ्लोर दिख रहा है हमें, ये फ्लोर है, इस फ्लोर में से हमें सर्टेन फिलामेंट्स ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये फिलामेंट्स, ठीक है, ये फिलामेंट्स कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, ठीक है, सो इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्लियर। अब पोर की बात करें, तो जो पोर होता है, लेटे पोर हमने ऊपर से देखा, ठीक है, हमने पोर देखा ऊपर से, तो पोर जब देखा, तो पोर के अराउंड क्या प्रेजेंट होंगे, कंसेंट्रिक रिंग्स में सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कई सारे टायर्स प्रेजेंट हैं सेल्स के, कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे ना, 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में इस पोर के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल्स के टायर प्रेजेंट है, ठीक है, एक तरह से रोज कह सकते हो आप, टायर कह सकते हो, ठीक है, अरेंजमेंट है सेल्स का कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है, और इसकी जो वॉल है हमें दिख रहा है, वॉल जो हाफ है वो इस अपर एपिडर्मिस के अपर साइड है ना, बाहर की साइड है, अबव अपर एपिडर्मिस, जबकि हाफ साइड कैसी है, बिलो दी अपर एपिडर्मिस, ठीक है जी। स्टोरेज रीजन की बात करेंगे, तो स्टोरेज रीजन जो है उसके अंदर मोस्टली स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है, कुछ ऑयल सेल्स होंगे, कुछ म्यूसिलेज सेल्स भी होंगे, ठीक है, और जो सबसे लोअर मोस्ट सरफेस होगी उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसे कहेंगे हम लोअर एपिडर्मिस, ये भी सिंगल लेयर्ड होगी, इसमें से राइजॉइड्स राइज होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ ट्यूबरकुलेट होंगे, कुछ स्मूथ वॉल्ड होंगे, और स्केल्स भी राइज कर रहे होंगे, कुछ लिंगुलेट होंगे, कुछ अपेंडिकुलेट स्केल्स होंगे, ठीक है, सो यही सब लिखा है इसके अंदर। और ठीक है, तो कुछ जो स्टोरेज रीजन है, स्टोरेज रीजन में से लाल को रेडियो दबा देता हूँ ताकि डिवाइस हो जाए।
एनाट क्यू में, जो कि स्टडी किया हमने, ठीक है। सो डॉर्सल सरफेस पर क्या है, सिंगल लेयर्ड अपर एपिडर्मिस हमने देख ली, ठीक है। फिर उस एपिडर्मिस के सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, और अपर एपिडर्मिस पर ही बैरल शेप्ड एयर पोर्ट्स प्रेजेंट हैं, बैरल शेप्ड एयर पोर्ट्स प्रेजेंट हैं अपर एपिडर्मिस पर ही, ठीक है। ये रहा, ये रही अपर एपिडर्मिस, ठीक है जी। और ये जो अपर पोर होता है, जैसे बताया, अब पोर्स के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, किसकी, सेल्स की, ठीक है। 4 to 8 टायर हो सकते हैं सेल्स के, और जो वॉल होगी वो अपर एपिडर्मिस के हाफ अप होगी, हाफ बिलो होगी, ठीक है। स्टोरेज रीजन की बात करेंगे, अच्छा जो एयर चैम्बर्स हैं, ठीक है, अपर एपिडर्मिस में जो एयर पोर प्रेजेंट है वो किस में कंटिन्यू कर रहे हैं, एयर चैम्बर्स में, ठीक है। और उन एयर चैम्बर्स का क्या, गैसेस एक्सचेंज होता है उन एयर चैम्बर्स के थ्रू, और वे एयर चैम्बर्स एक दूसरे से, जो और भी एयर चैम्बर्स होंगे उनसे किससे सेपरेटेड है, पार्टीशन वॉल से सेपरेटेड है, और इन पार्टीशन वॉल्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। सिंगल लेयर्ड होती है पार्टीशन वॉल भी। फिर जो अब हमने बात करी एयर चैम्बर की, तो जो एयर चैम्बर का फ्लोर है उसमें से क्या अराइज करेंगे, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स अराइज करेंगे, इनका काम भी क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है जी। अब इस जो जब एयर चैम्बर के नीचे क्या होगा, स्टोरेज रीजन प्रेजेंट है, उस स्टोरेज रीजन के अंदर जो सेल्स होंगे वे स्टार्च स्टोर करेंगे, कुछ म्यूसिलेज सेल्स हैं, कुछ ऑयल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और सबसे जो वेंट्रल सरफेस पर एक सिंगल लेयर्ड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, जिसमें से राइजॉइड्स एंड स्केल्स निकल रहे हैं, राइज कर रहे हैं उसमें से, ठीक है जी। सो आपका इंटरनल एनाटॉमी भी हो गई, मार्केशन की। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव मेथड से होता है और सेक्सुअल से होता है। ए सेक्सुअल नहीं होगा, यानी स्पोर फॉर्मेशन अलग से नहीं हो रहा है, स्पोर्स बनेंगे जर्मिनेशन के टाइम पे वो अलग है, लेकिन ए सेक्सुअली जो स्पोर्स बनते हैं वैसे नहीं होगा इसका, ठीक है। तो मेन दो मेथड है, एक तो वेजिटेटिव है और एक सेक्सुअल मेथड है, ठीक है। तो वेजिटेटिव मेथड की सबसे बात करता हूँ सबसे पहले, तो 3 मेन है, तो बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड बाय गैमा फॉर्मेशन। देखते हैं सबसे पहले फिगर में, देखते हैं फ्लूइड लेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो ये जो रीजन है ना, ये पूरा एक थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो ये रीजन है, ये क्या है, जहाँ से डायकॉटमी स्टार्ट हो रही है, यानी जहाँ से ये दो में ब्रांचिंग हो गई है ना, जहाँ से इस रीजन में डायकॉटमी हो रही है ये, ठीक है, डायकॉटमी से ब्रांचिंग हो रही है ये सारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये यंग रीजन है, ये एपिकल रीजन है, ठीक है। जबकि इस डायकॉटमी से जो नीचे वाला रीजन है, ये कैसा है, ओल्ड पार्ट है। तो ये ओल्ड पार्ट है, ये ओल्ड पार्ट क्या कर जाएगा, डिके कर जाएगा, और जब ये डिके करेगा तो जो एपिकल रीजन है अबव द डायकॉटमी, जिसमें डायकॉटमस ब्रांचिंग है, इसमें हमें पता है क्या प्रेजेंट है, एपिकल नॉच प्रेजेंट है, और इन एपिकल नॉचेस में ग्रोइंग पॉइंट होता है। अब ये क्या कर सकते हैं, फर्दर न्यू थैलस में डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। सो इससे अब देखो कितने बन जाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब हर एक से एपिकल पोर्शन, एपिकल ब्रांच से नया नया थैलस फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। सो यही होता है बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस, और इसे हम फ्रेगमेंटेशन भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि फ्रेगमेंट्स जो हैं इसके, जो फ्रेगमेंट्स हैं वे ही न्यू थैलस बॉडी में को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस डिके बिलो द डायकॉटमी, वो ओल्डर पार्ट रीजन हुआ, ठीक है। जबकि जो एपिकल रीजन होगा वो न्यू थैलस में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस की। एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होंगी वो हम हमेशा ध्यान रखना, वेंट्रल सरफेस पर फॉर्म हो रही हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस वेंट्रल सरफेस पर फॉर्म होंगी, जबकि जो गैमे हैं, जो गैमा फॉर्मेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये डॉर्सल सरफेस पर फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो एडवेंटिशियस जैसे फिगर में शो रहा है, ये ब्रांचेस फॉर्म हो जाएंगी वेंट्रल सरफेस पर, ये भी डिटैच कर जाएंगी और फेवरेबल कंडीशन में न्यू थैलस में ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड आता है गैमा, थ्रू गैमे जो रिप्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा मार्केशन इसके थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो गैमा है हमें पता है किसके अंदर बनता है, गैमा कप्स के अंदर बनता है, और गैमा कप्स कौन से सरफेस पर प्रेजेंट है, थैलस के डॉर्सल सरफेस पर, हमने फिगर में भी देखा था तब, है ना। अब हमें पता है जो सबसे पहले बात करते हैं गैमा कप्स की, जो गैमा कप्स हैं, गैमा कप्स में हमने स्ट्रक्चर देखा था ये रहा। तो जो गैमा कप्स में स्ट्रक्चर है हमें पता है, इन गैमा कप्स के अंदर ऐसे ये गैमा प्रेजेंट होता है ना, ऐसे करके गैमा प्रेजेंट होता है इसके, ठीक है, ऐसा करके गैमा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इन गैमा कप्स के अंदर। और इनकी जो मार्जिन होगी गैमा कप्स की वो कैसी है, फ्रिंज्ड मार्जिन है, यानी नोकीली मार्जिन है, जैसे क्राउन के ऊपर फ्रिंजेस प्रेजेंट होता है ना, जो राजा का क्राउन होता है, ठीक है, ऐसे इन पर भी क्या प्रेजेंट है, फ्रिंज प्रेजेंट है। तो इनकी मार्जिन कैसी है, फ्रिंज्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया,
लेटरल ट्रांसवर्स सेक्शन, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया हमने इसका, ठीक है, इसके एनाटॉमी स्टडी करते हैं थोड़ी सी। तो हमें पता है देखो, जैसे थैलस के अंदर था ना कि अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है और लोअर स्टोरेज रीजन है, ऐसे ही इसके अंदर भी होगा। तो ये रीजन जिसमें गामा प्रेजेंट है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, जबकि इससे लोअर वाला रीजन जिसके अंदर स्टार्च स्टोर किया जाएगा। क्या हुआ है? चलो, जिसके अंदर स्टार्च स्टोर किया जाएगा, नहीं वाला रीजन, ठीक है। तो ये होगा स्टोरेज रीजन, थैलस में भी तो ऐसे था, नॉर्मल थैलस में, ठीक है। यह है फोटोसिंथेटिक रीजन, जिसमें क्यों, क्योंकि इसके अंदर गैमा प्रेजेंट है ना। अभी हम गैमा का स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि मोस्टली किससे बने, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल से बने हैं। तो जो गैमा का फ्लोर है, गैमा कप का जो फ्लोर है, ठीक है, जिसमें गैमा प्रेजेंट है, ठीक है, इस गैमा के साथ साथ इसमें से कुछ म्यूसिलेज सेल्स भी निकलेंगे, ठीक है, कुछ म्यूसिलेज सेल्स भी निकलेंगे। उन म्यूसिलेज सेल्स का काम क्या है, म्यूसिलेज क्रिएट करना, ठीक है जी। और ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, नीचे वाला स्टोरेज रीजन है, उसमें वो स्टार्च वगैरह स्टोर करेगा, म्यूसिलेज सेल्स से स्टोर करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैमे की। तो जो गैमा है वो हमें दिख रहा है सेंटर में से कैसा है, थिक है, जबकि अपेक्स पर थिन है ना। और जैसे ये रहा गैमे जो है ना, अब देखो कुछ गैमे कैसे हो जाएंगे, डम्बल शेप्ड भी हो जाएंगे, डम्बल शेप्ड है। तो हमने एक का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो हमने देखा कि इस जो सेंटर है इसका, मिड रीजन है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, नॉच प्रेजेंट है, बिकॉज डम्बल में ही नॉच है, डम्बल में क्या है, नॉच प्रेजेंट है, ठीक है। इस नॉच में क्या है, ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट है, बिकॉज कल को ही गैमा ही जब जर्मिनेट करेगा तो न्यू थैलस बॉडी फॉर्म करेगा, और हमें पता है न्यू थैलस बॉडी में ग्रोथ जब होगी तो ग्रोइंग पॉइंट्स से होगी, है ना। तो सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट्स यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि उस जब कल को वो थैलस बॉडी फॉर्म होनी है तो उसके कुछ इनिशियल सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे राइजोइडल, कुछ राइजोइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कलरलेस राइजोइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कल को जर्मिनेट करने पर राइजोइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऐसी जो ग्रोइंग पॉइंट है वो जर्मिनेट करके न्यू थैलस फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो मोस्टली इसके अंदर सेल्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमें डॉट डॉट्स दिख रही हैं, डॉट डॉट सेल्स दिख रही हैं हमें इतनी सारी, ये क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली कैसे सेल्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं, कुछ कलरलेस राइजोइडल इनिशियल सेल्स हैं, नॉच में क्या, नॉच में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो है गैमा है, ये स्टॉक से जुड़ा है, देखो इस फिगर में भी हम देखेंगे, एक सर्टेन स्टॉक से जुड़ा है, इस फ्लोर ऑफ जो ये ना गैमा कप का फ्लोर है, इस फ्लोर से स्टॉक की हेल्प से जुड़े हैं। क्लियर? तो पहले इसकी रीड लेते हैं। तो जो गैमा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मार्केशिया, ठीक है। और ये कैसा है, कि वेजिटेटिव मेथड है। तो जो गैमा है, गैमा फॉर्म होंगे इसके अंदर, ठीक है, गैमा कप के अंदर, और ये डॉर्सल सरफेस पर होता है गैमा कप्स। इनकी मार्जिन कैसी होंगी, फ्रिंज्ड मार्जिनस होंगी इनकी। और अपर फोटोसिंथेटिक एनाटॉमी जब हमने स्टडी के लिए देखा, हमने अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है, और इनर जो नीचे वाला रीजन है वो स्टोरेज रीजन होगा, ठीक है, सिमिलर टू दी थैलस। और जी जो गैमा होंगे वे स्टॉक से अटैच होंगे गैमा कप के फ्लोर से। गैमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट से ऑटोट्रॉफिक हैं, मल्टा सेलुलर हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। आप देख लो ऐसे कट कर दिया तो इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गए, है ना, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। और कुछ सुपरफिशियल सेल्स कलरलेस भी होंगे, जिन्हें हम राइजोइडल इनिशियल सेल कह रहे हैं, जो जर्मिनेशन के टाइम पर क्या फॉर्म करेंगे, राइजोइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इन जो ग्रोइंग रीजन प्रेजेंट है नॉच पर, वो कल को थैलस फॉर्म करेगा जर्मिनेशन होने पर। जैसे मैंने बताया कि जो फ्लोर है वहाँ से गैमा वो तो अटैच्ड है ये गैमा, ठीक है, साथ में कुछ म्यूसिलेज सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, वे क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे म्यूसिलेज का, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा, मार्केशन मार्केशन के अंदर ओ गैमस टाइप, ठीक है। और जो सारी की सारी स्पीशीज़ हैं वो कैसी हैं, डायोशियस, यानी मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है। मेल थैलस पर क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कह रहे हैं एन3DO4, और फीमेल थैलस पर क्या होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कह रहे हैं आर्चिगोनियो4। और दोनों ही क्या है, मॉडिफाइड इरेक्ट लेटरल ब्रांचेज हैं, जो किसमें से अराइज करें, फॉस्फेट सिस्टम में से। कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल नॉचिस पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, वहाँ ग्रो करती हैं ये। अब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम एन3DO4 को देखते हैं, ठीक है।
एंथ्रीडियोफोर कैसा होता है, 1 to 3 सेंटीमीटर। हमने बताया कि आपको स्टिक प्रेजेंट होगी, सॉरी स्टॉक प्रेजेंट होगी, और स्टॉक के ऊपर एक डिस्क होगी, ठीक है। दोनों में यही स्ट्रक्चर होता है। और जैसे इसके अंदर देखते हैं एंथ्रीडियोफोर के अंदर, तो ये स्टॉक है, एशियन क्या है, एशियन स्टॉक है, ठीक है। अब उस स्टॉक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये डिस्क प्रेजेंट है स्टॉक के ऊपर, ठीक है जी। और इस स्टॉक की जो वेंट्रल साइड्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्रूव्स प्रेजेंट है जिनमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे और स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वेंट्रल साइड पर इनकी। जो डिस्क की बात करते हैं, डिस्क में क्या है कि एयर चेम्बर्स प्रेजेंट हैं, जो एयर सबसे पहले देखते हैं एयर पोर प्रेजेंट है, वो एयर पोर किस में कंटिन्यू कर रहे हैं, इन एयर चैम्बर्स में, ठीक है। और इन एयर चैम्बर्स का ऑल्टरनेटिवली क्या प्रेजेंट है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, हर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। देखो अब एयर पोर, फिर वापस ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फिर से एयर पोर, फिर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैविटी स्ट्रक्चर क्या, कैविटी कहना चाहिए, कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ये एंथ्रीडियम, ठीक है, कैविटी के अंदर ये एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर में है, जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा सबसे लार्ज है, क्योंकि ये सबसे ओल्डर है। देखिए जो मार्जिनस पर प्रेजेंट है वो कैसे हैं, यंग हैं अभी, ठीक है। इस लोब के मार्जिनस पर जो प्रेजेंट है वो सारे यंग हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसे, हमें इस एंथीडिया को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो एंथीडिया होगा इसमें भी क्या होगी, स्टॉक प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिससे ये इस फ्लास्क की फ्लोर से अटैच होगा। अपर जो रीजन होगा वो स्वॉलन रीजन होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी, एंड्रोसाइट मदर सेल प्रेजेंट है। और ये किससे कवर्ड है, सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल से कवर्ड है, ठीक है, ये रहा। और ये एंड्रोसाइट मदर सेल क्या फॉर्म करते हैं, एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो एक तरह से मेल गैमीट है। मेल गैमीट क्या है, एंथ्रेजॉइड है, जो ये दिख रहा है फिगर के अंदर। ये कैसा रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है और बायफ्लैजेलेटेड है, ये दो फ्लैजला हमें शो हो रहे हैं इसके, ठीक है, दो फ्लैजला हैं, क्लियर। और जिस तरह से जो ये एयर चैम्बर है ये बाहर किसके थ्रू ओपन कर रहे हैं, एयर पोर के थ्रू। जो ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, जो एंथ्रीडिया है, वो किसके थ्रू ओपन कर रहा है, बाहर ऑस्टियोल के थ्रू ओपन कर रहा है, ठीक है। तो एंथ्रेजॉइड्स जब इस एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा और ये क्या बनेंगे, डिवाइड करके एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करेंगे, तो ये एंथ्रेजॉइड्स इसके ऑस्टियोल के बाहर ही, इसके थ्रू ही बाहर आएंगे, ठीक है। एक बार रीड लेते हैं एंथ्रीडियोफोर की लॉन्ग स्टॉक होती है 1 to 3 सेंटीमीटर, और डिस्क होती है एपेक्स पर, देख लिया हमने, ठीक है। ये लोब लिखा है, ईच लोब रिप्रेजेंट अ ब्रांच, ये लोब होता है, जैसे हम ऐसे लोब देखेंगे ना, ब्रांच मतलब लोब ही की बात है, ठीक है। तो ये जो एक ईच लोब है, ठीक है, या फिर कहें एक ब्रांच। अब हमने इस एक ब्रांच को स्टडी किया था अभी डिस्क लाइक सरफेस पर, है ना, ठीक है। सो हर लोब पे जो होगा, लोब पे क्या प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लोब में आपके ये प्रेजेंट होंगे, 8 लोब्स प्रेजेंट होंगे इसके, ठीक है। और मार्केंशिया जेमिनेटा पर 4 लोब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लोब किस पर प्रेजेंट है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ऊपर, ठीक है। और अभी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या है, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है और ऑल्टरनेटिवली क्या प्रेजेंट है, फ्लास्क लाइक कैविटी प्रेजेंट है। एयर चैम्बर्स किस में ओपन कर रहे हैं, एयर पोर्स के थ्रू ओपन कर रहे हैं आउटसाइड, जबकि फ्लास्क लाइक कैविटी किसके थ्रू ओपन कर रही है, ऑस्टियोल के थ्रू ओपन कर रही है। किस पैटर्न में है ये फ्लास्क लाइक कैविटीज, एक्रोपिटल सक्सेशन पैटर्न में, यानी ओल्डर सेंटर के पास होंगे, यंगर सेंटर से दूर होंगे, यानी मार्जिनस की साइड पर होंगे। इन फ्लास्क लाइक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टॉक्ड एंथ्रीडियम, क्योंकि स्टॉक से उस फ्लास्क लाइक कैविटी से जुड़ा है, ठीक है। और जो एंथ्रीडियम है, ठीक है, उसमें क्या है, मास ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल्स है, जो किससे सराउंडेड है, एक सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल से सराउंडेड है। अब ये जब एंड्रोसाइट मदर सेल मेटामॉर्फोसिस होता है, एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करते हैं, वो कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और दो उनमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो बायफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है जी। अब बात करते हैं एंथ्रीडियोफोर के, एंथ्रीडियोफोर कैसे हैं, ये भी सेम होता है, स्टॉक प्रेजेंट होती है और डिस्क होती है टर्मिनल, ठीक है। और ये जो है ये लॉन्गर हैं किन से,
एंथीडियोफोर से उनसे लंबे हैं, क्योंकि देखो इनकी जो स्टॉक है वो कैसे कितनी है, 5 to 7 सेंटीमीटर, जबकि एंथीडियोफोर की जो स्टॉक थी वो सिर्फ 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। ठीक है जी, इसमें भी क्या होता है, ये भी 8 लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये बीच नीचे स्टॉक है। अब ये कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद ये इन्वर्टेड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इस तरीके से लोब्स हो जाएंगे इसके, ये नीचे स्टॉक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब जैसे देखो, मैं आपको दिखा फिगर में शो कर देता हूँ कि जैसे ये लोब्स हैं, ठीक है, लोब्स हैं, लोब्स क्या रिप्रेजेंट करें, इनकी ब्रांचेज रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो एक लोब है, ठीक है, हमने कितने का, 8 लोब्स प्रेजेंट है, और हर एक लोब के ऊपर आर्चिगोनिया का ग्रुप प्रेजेंट होगा। हर एक लोब पर ध्यान से सुनना, आर्चिगोनिया का ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर बहुत सारे आर्चिगोनिया होंगे, नियरली 12 to 14। ठीक है, तो 12 to 14 आर्चिगोनिया एक ग्रुप में होंगे, और ऐसे कितने ग्रुप होंगे, 8 ग्रुप होंगे, क्योंकि हर एक लोब पर क्या प्रेजेंट है, एक आर्चिगोनिया का ग्रुप। तो ऐसे कितने हो गए, ऐसे 8 लोब, 8 ग्रुप्स हो गए आर्चिगोनिया के, और हर एक आर्चिगोनिया में कितने हो गए, एक ग्रुप के अंदर 12 to 14 आर्चिगोनिया। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे भी वही होता है, देखो एयर पोर्स प्रेजेंट है सबसे अपर सरफेस पर, ठीक है, जो कि इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, एयर चैम्बर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद का, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, देखो इन्वर्टेड है, जब जैसे इसके अंदर जो ये आर्चिगोनिया प्रेजेंट होंगे, ये आर्चिगोनिया में आपको दिखा रहा है कि नेक रीजन जो है ना, ये जो नेक रीजन है, ये नेक रीजन डाउनवर्ड फेसिंग है, नीचे की साइड फेस कर रहा है ना, ये स्टॉक हो गई। ठीक है, बट ये फर्टिलाइजेशन के बाद का है, जब इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, जब ये इन्वर्टेड नहीं होता तो ये अप साइड फेस करता है। ठीक है, ऐसे होता है कि नेक अप साइड फेस करेगा और वेंटर जो होगा नीचे वो मतलब डाउनवर्ड साइड होगा। ठीक है, ये इन्वर्टेड होने के बाद की फोटो है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं, 8 लोब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और जो हर एक लोब है उसमें ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है जी, और जिसमें से क्या ग्रो करेगा, आर्चिगोनिया ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे भी कैसा, एक्रोपिटल सक्सेशन है, यानी सेंटर में जो होंगे ओल्डर आर्चिगोनिया, जबकि मार्जिन्स के अराउंड में क्या प्रेजेंट है, यंग आर्चिगोनिया। ठीक है, जो मैंने बताया था कि 8 ग्रुप्स ऑफ आर्चिगोनिया हो गए, हर एक 8 लोब हैं, तो हर एक लोब के ऊपर एक एक ग्रुप, तो 8 लोब्स, 8 ग्रुप हो गए किसके, आर्चिगोनिया के, और हर एक आर्चिगोनिया में कितने आर्ची मतलब हर एक ग्रुप के अंदर कितने आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, 12 to 14 आर्चिगोनिया प्रेजेंट है हर एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं हर एक लोब के अंदर कितने हो गए, 12 to 14। समझ में आ गया ना, कन्फ्यूज मत होना इस लाइन से। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डिस्क का मार्जिनल पोर्शन है इन्वर्टेड हो जाएगा, इसकी वजह से जो आर्चिगोनिया है वो पहले तो कैसे थे, पहले भी ये ऐसे थे, पहले कैसे थे कि ये है नेक रीजन, ये है इसका सोलन वेंट रीजन। ठीक है, अभी कैसे हो गए, फर्टिलाइजेशन के बाद अभी ऐसे हो गए, इन्वर्टेड हो गए। क्लियर, और ये इसलिए ऐसा हो गया, फर्टिलाइजेशन के पहले ऐसे ही होने चाहिए, बिकॉज अगर नेक ऊपर होगी तभी तो एंथ्रेसॉइड्स आएगा और इस एग को फर्टिलाइज करेगा, बिकॉज रेन ड्रॉप्स के थ्रू आता है, वाटर के थ्रू होता है ना, वाटर हेल्प करता है इन एंथ्रेसॉइड्स के ट्रांसफर में। ठीक है, तो वाटर रेन ड्रॉप्स अब ग्रेविटी के साथ है तो नीचे की तरफ गिरेंगी, है ना, तो ऐसा होना चाहिए। अगर अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता तो अब रेन ड्रॉप्स मान लो नीचे गिर के ज़मीन पर, जिसमें एंथ्रेसॉइड्स प्रेजेंट है, वो ऊपर थोड़ी उड़ के आएगी, एंटी ग्रेविटी थोड़ी शो करेगी, है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले इसलिए नेक कैसी होती है, अपराइट होती है। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग होती है, बाद में इन्वर्टेड होने के बाद डाउनवर्ड फेसिंग हो जाती है, द बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, तो वही लिखा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, आर्चिगोनिया अपसाइड डाउन हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो मतलब नेक डाउनवर्ड आ गई उसकी। ठीक है, और अब देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, 3 लेयर्स डेवलप करती है, इस हड्डी भी करेंगे, पेरिगाइनियम, पेरिकेटियम और एक कैलिप्ट्रा होता है, कैलिप्ट्रस के अराउंड ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, किसके अराउंड, दोनों साइड में, ऑन ईदर साइड, एंड दे एनक्लोज दी ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया। और क्या होता है, साथ में ये जो लोब्स प्रेजेंट हैं, जो लोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन लोब्स से, ये लोब्स ज़्यादातर केसेस के अंदर इलॉन्गेट कर जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, ये सिलेंड्रिकल रेज फॉर्म कर लेंगे।
ठीक है, सिलेंड्रिकल रे फॉर्म कर देंगे, और इसकी वजह से जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा शो होता है, स्टार लाइक अपीरेंस शो करता है ये, ठीक है, इसलिए कहता है स्टेलेट अपीरेंस हो जाती है इस वजह से, सिलेंड्रिकल रेज फॉर्म होने की वजह से, ठीक है जी। ये एक आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है, ये आर्चिगोनिया को हमने इलॉन्ग थोड़ा सा मैग्नीफाई किया, तो ये स्टॉक की हेल्प से इस लोब से अटैच है, देखो ये स्टॉक की हेल्प से इस लोब से अटैच है, स्टॉक के सेल्स हैं, ठीक है, स्टॉक के सेल्स हैं, उनकी वजह से लोब से अटैच है, ठीक है। और ये जो बेसल रीजन होगा ये वेंटर है, जिसके अंदर एग सेल है, ठीक है। फिर नेक रीजन है जो लॉन्गिट्यूड पोर्शन है, उसके अंदर नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे ऊपर कवर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, चार कवर सेल्स, क्लियर। सो ये लिखा है इसके अंदर, देखो टास्क शेप बॉडी है, इलॉन्गेटेड नेक है, और स्वॉलन बेसल पोर्शन वेंटर है, ठीक है, बल्बस वेंटर है। नेक में नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और वेंटर में एग सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कवर सेल्स किसके ऊपर प्रेजेंट है, इस नेक रीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कवर सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है जब, अभी तो ये मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई तभी इस तरह से डाउनवर्ड शो किया गया है, वरना ये ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लो अगर फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, अब क्या होगा, ये एंथ्रेसॉइड यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, फिर वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, तब जाकर अंदर एग है, तो यहाँ पर तो पैसेज ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा एंथ्रेसॉइड अंदर, तो इसलिए क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो नेक कैनाल सेल्स हैं वेंटर कैनाल सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक म्यूसिलेज मास स्वेल कर जाएंगे, म्यूसिलेज मास फॉर्म कर लेंगे, फिर इस तरह से वॉमिट आउट कर देंगे, ताकि पैसेज फॉर्म हो जाए, क्या हो जाए, पैसेज फॉर्म हो जाए जिसके थ्रू ये एंटर कर सके एंथ्रेसॉइड, और एग तक पहुंच जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियाई, मेल गैमेट का न्यूक्लियाई, फीमेल एग का न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाएगा, फ्यूज़ करने पर ये डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म कर लेता है, ठीक है, जिसे हम ओस्पोर भी कहते हैं, क्लियर। ये सारे मैंने आपको बता दें जो इसके अंदर लिखा है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज हुए, हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, आर्चिगोनिया इन्वर्ट कर गया है ना, इन्वर्टेड हो गया आर्चिगोनिया, और क्या हुआ कि थ्री लेयर्स फॉर्म हो गई। ये थ्री लेयर्स क्या है, पेरिकेटियम, पेरिगैनियम और कैलिप्ट्रा, ठीक है, ये ग्रो कर गई। अब वो जो आर्चिगोनियम है वो किसमें डेवलप कर गया, स्पोरोगोनियम में डेवलप कर गया, ठीक है। आर्चिगोनियम क्या था, फीमेल स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर एक पार्ट था, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है, एग है ना। तो अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब स्पोरोगोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये सेम वही स्ट्रक्चर है कि स्टॉक प्रेजेंट है ना, स्टॉक प्रेजेंट है, और ये वो लोब्स हैं, लोब्स इलॉन्गेट कर गए, रेज बन गई, ठीक है। अब एक मिनट, अब ये जो रेज हैं वो इलॉन्गेट करके सिलिंड्रिकल रे फॉर्म कर ली उन्होंने। अब देखो यहाँ इस रीजन में प्रेजेंट थे ना, इस रीजन में क्या प्रेजेंट थे आपके, जो आर्चिगोनिया में वो प्रेजेंट थे इस रीजन में, ठीक है। तो अब वो क्या फॉर्म कर लिया, स्पोरोगोनियम फॉर्म कर लिया। तो अब स्पोरोगोनियम फॉर्म करने पर उसमें तीन पार्ट आते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो सबसे पीछे वाला रीजन होगा ना, ये वाली फुट होगा, जिसकी वजह से ये इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से अभी भी जुड़ा हुआ है, और इसके थ्रू ये वाटर और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा। तो जो स्पोरोफाइट है जो ग्रो करा है, वो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से ले रहा है, किसके थ्रू, फुट के थ्रू, ठीक है। फुट के बाद क्या रीजन होगा, ये जो स्टॉक रीजन हमें, ये जो स्टॉक रीजन हमें दिख रहा है, ये स्टॉक रीजन हमें दिख रहा है, ये होगा फुट, सीटा। अभी सीटा इलॉन्गेटेड रीजन है, तो ये ग्रो करेगा लेंथ में, और जब ये ग्रो करेगा तो क्या ये जो कैप्सूल पोर्शन है इसका, जो इसका कैप्सूल पोर्शन है, इसे बाहर की तरफ पुश करेगा। अब पहले तो ये इस कवरिंग में अटैच था नीचे सारा, है ना, कि वहाँ पे कैलिप्ट्रा भी है, पेरिकाइटियम है, पेरिगैनियम है, बट अब जब इसने इलॉन्गेट किया सीटा ने, तो इस कैप्सूल को आउट इन कवरिंग से बाहर पुश कर दिया, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और जब कवरिंग से बाहर पुश कर दिया बिकॉज अब क्या होगा, इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे, है ना, जब स्पोर्स बनेंगे तो इन कवरिंग से बाहर होने चाहिए, ताकि बर्स्ट करें तो डिस्पर्सल हो सके स्पोर्स का, है ना। तो ये जो कवरिंग है, ठीक है, तीन कवरिंग प्रेजेंट है इसमें। अब देखते हैं जो मैच्योर, जिसमें आपको बताया कि मैच्योर स्पोरोगोनियम में तीन रीजन्स होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट का काम क्या है, न्यूट्रिशन का अब्जॉर्ब करना, ठीक है। सीटा का काम क्या है, फुट और कैप्सूल को कनेक्ट कर रही है और इलॉन्गेट करेगी। इलॉन्गेट करने पे वो इस कैप्सूल को, जिसके आउट बाद में प्रेजेंट होता है ऐसे कैप्सूल, है ना, ये सीटा, ठीक
ठीक है, तो ये क्या करेगी, पुश कर देगी इस कैप्सूल रीजन को, इस कैप्सूल रीजन को पुश कर देगी और इन थ्री लेयर्स से बाहर ले आएगी, ठीक है, आउट ऑफ दीज थ्री लेयर्स, कलेक्ट्रा, पहले गाइनियम एंड पेरिकेटियम, ठीक है। जैसे देखो वहाँ तो मैंने दो लेयर शो कर दी थी, कलेक्ट्रा ये वाली है, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, ठीक है, ये कलेक्ट्रा है, ये फुट रीजन, ये सीटा, ये बिल्कुल लॉन्गेट करेगा, और ये है कैप्स्यूल रीजन, ठीक है, कैप्स्यूल रीजन प्रेजेंट है। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और इलेटर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स एंड इलेटर्स, स्पोर्स एंड इलेटर्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब स्पोर्स जो, जब स्पोर्स बनेंगे स्पोर मदर सेल से, ठीक है, क्योंकि अब तक ये स्ट्रक्चर कैसा है, डिप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना वो क्या हुआ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, जायगोट का या फिर ओस्पोर का, ठीक है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड कर गई, बट जब ये स्ट्रक्चर स्पोरो, जो स्पोरोफाइट बन रहा है ना, स्पोरोगोनियम है, तो जब ये मेच्योर करेगा तो इसमें क्या होगा, स्पोर मदर सेल्स फॉर्म होंगे इस रीजन में सबसे पहले, ठीक है। इस स्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, ऐसे चार स्पोर्स बनेंगे, समझ रहे हो, ये टेट्राड बनेगा स्पोर्ट्स का, ये मियोसिस के थ्रू बन रहा है, तो अब जाकर वापस से गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टोर कर ली जाएगी वापस से, ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये जो इलेटर्स हैं, इलेटर्स कैसे हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, यानी वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब माना इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अब ड्राई कंडीशन आ गई, ड्राई कंडीशन आने पर इन्होंने वाटर लूज कर दिया एटमोसफेयर में, तो ये कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, सख्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ना, तो इलेटर्स जब वाटर लूज कर देंगे तो ये ट्विस्टेड हो जाएंगे, यानी इतने सख्त पैने स्ट्रक्चर हो गए। अभी क्या करेंगे, जो कैप्सूल की वॉल है से रप्चर कर देंगे, और जब कैप्सूल की वॉल रप्चर कर जाएगी तो ये जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स का ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, लिबरेट कर जाएंगे, और जिनका डिस्पर्सल किसके थ्रू हो जाएगा, विंड के थ्रू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इन स्पोर्स का जो डिस्पर्सल है, स्पोर्स का डिस्पर्सल, इलेटर्स कैसे हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, ड्राई एटमोसफेयर में वाटर को लूज कर देंगे एटमोसफेयर में, ट्विस्टेड हो जाएंगे, पैनी हो गए, ठीक है, जो कैप्सूल की वॉल है उसे रप्चर कर दिया, जिसकी वजह से रिलीज हो गया क्या, किनका, इन स्पोर्स का रिलीज हो गया, और ये किसके थ्रू डिस्पर्स कर दिए जाएंगे, विंड के थ्रू डिस्पर्सल हो जाएगा इनका। एक बार जो हमने सारा रिप्रोडक्शन पढ़ाया, जो सारी लाइफ साइकिल स्टडी करी है, इसे एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है वेजिटेटिवली तीन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, डेथ एंड डीके मेथड, देन एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो वेंट्रल सरफेस पर बनती है, देन क्या होता है, गैमा फॉर्मेशन, जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है मार्केशन के रिप्रोड्यूस करने का, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो और ये गैमा किस सरफेस पर होते हैं, डॉर्सल सरफेस पर, क्यों, क्योंकि गैमा किसके अंदर बनता है, गैमा कप के अंदर, और गैमा कप कहाँ होता है, हमने स्टडी किया है डॉर्सल सरफेस पर। बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की, तो डायोशिस में मेल अलग, फीमेल अलग बनेगा, मेल अलग बनेगा, मेल पर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा एंथ्रीडियो फोर, फीमेल पर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा आर्चिगोनियो फोर। अब एंथ्रीडियो फोर की जो अपेक्स है वो डिस्कलाइक है, उस पर क्या फॉर्म होंगे, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंथ्रीडियम, याद आया सारा, और इस ये भी डिस्कलाइक स्ट्रक्चर है जिसकी अपेक्स है, नीचे स्टॉक प्रेजेंट है, तो डिस्कलाइक स्ट्रक्चर है जो, उस पर क्या है, लोब प्रेजेंट है, उन लोब्स पर 10 से 12, हर एक लोब पर 10 से 12 आर्चिगोनिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आर्चिगोनिया भी क्या है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसमें एग प्रेजेंट है, ठीक है, और एंथ्रीडियम में हमने पढ़ा था कि जो फ्लास्क शेप्ड कैविटी के अंदर एंथ्रीडियम है उसमें क्या होगा, स्टॉक है, ठीक है, और ये है बीच में एंथ्रीडियो एंड्रोसाइट मदर सेल, जो क्या फॉर्म करेगा, बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करेगा, है ना। तो एंथ्रेजॉइड्स जो होंगे बाहर आ जाएंगे एग, और क्या कहते हैं, वाटर के थ्रू, रेन ड्रॉप के थ्रू एंटर कर जाएंगे नेक रीजन में, ठीक है, नेक के थ्रू आए एग में और एग को फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। फर्टिलाइज करने पर गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड कर गई, क्या शुरू हो गई, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू हो गई, ठीक है। अब उस को हम जायगोट कह सकते हैं, फिर ओस्पोर कह सकते हैं, जो डिप्लॉयड स्टेज है, उससे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम बना। अब स्पोरोगोनियम के अंदर जब डेवलपमेंट चल रहा है तो स्पोर मदर सेल बने, है ना, उस फिगर में सिर्फ स्पोर्स शो कर रखे थे लेटर्स के साथ, ठीक है, पहले बनेंगे स्पोर मदर सेल, फिर स्पोर मदर सेल के अंदर अब मियोसिस हुआ, जैसे ही मियोसिस हुआ तो गेमिटोफाइटिक यानी हेप्लॉइड स्टेज स्टोर हो गई वापस, ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज यानी डिप्लॉयड खत्म हो गई, तो स्पोर्स बन गए। अब स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाएगा किसके थ्रू, इलेटर्स के थ्रू, और जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो वापस
न्यू गैमेटोफाइटिक थैलस फॉर्म कर लेंगे मार्केशिया का, ठीक है जी। तो जो आपका ये क्या कहते हैं इसे, मार्केशिया ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर।